आइए दोस्तों समझते हैं आसान भाषा में। डिसएडवांटेज ऑफ ईटिंग आउटसाइड फूड, यानी बाहर के खाने के नुकसान। दोस्तों बाहर के खाने में मोमोज, चाउमीन, डीप फ्राइड डिश, ऑयली फूड, फ्राइड चिकन, अदर नॉनवेज रेसिपी, स्वीट्स, केक एंड चॉकलेट, ये सभी आते हैं। यानी मोमोज, चाउमीन, डीप फ्राइड डिश, ऑयली फूड, चिकन हो गया फ्राइड, और नॉनवेज स्वीट्स में मिठाइयाँ, केक और चॉकलेट, ये सभी क्या है? बाहर के खाने होते हैं। और अब हम जानते हैं इसको खाने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जैसे मोमोज, चाउमीन खाने से क्या होता है? पाचन समस्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, वजन बढ़ सकता है, गैस्ट्रिक समस्याएं हो सकती हैं। फिर फ्राइड चिकन और नॉनवेज का ज़्यादा सेवन करने से क्या क्या हो सकता है? हार्ट की समस्या, ब्लड प्रेशर, मोटापा, पाचन संबंधी समस्या और किडनी समस्या। फिर आते हैं स्वीट्स और केक। ज्यादा मीठा खाने से दोस्तों मधुमेह यानी डायबिटीज हो सकती है, वजन बढ़ सकता है, दांतों में समस्या हो सकती है। दांतों में समस्या कैसी दोस्तों? डेंटल कैरीज हो सकती है, दांत सड़ने लग सकते हैं। हार्ट की समस्या भी ज्यादा मीठा खाने से हो सकती है। अब आगे आइए जानते हैं बाहर के खाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें। दोस्तों बाहर के खाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में प्रिजर्वेटिव यूज होता है, फूड कलर यूज होता है, फ्लेवर यूज होते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं, हार्मोन्स यूज होते हैं। दोस्तों प्रिजर्वेटिव वो एजेंट होते हैं जिनको खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। फूड कलर वो एजेंट होते हैं जो फूड को अच्छा लुक देने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि ऑरेंज कलर और येलो कलर को फूड में मिलाया जाता है जिससे वो बहुत अच्छे दिखें। फ्लेवर एनहांसर या जो वो होते हैं जो खाने के स्वाद को बढ़ाते हैं। जैसे एस्पार्ट में मिठास के लिए यूज होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है स्वाद बढ़ाने के लिए, ये ज्यादातर किसमें डलता है? चाउमीन वगैरह में डलता है। फिर आते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दोस्तों ऐसे एजेंट होते हैं जो खाने को संक्रमित होने से बचाते हैं, जिससे खाना सड़े नहीं, खराब नहीं हो। हार्मोन्स जो होते हैं वो वृद्धि के लिए होते हैं। जैसे मीट हो गया, मीट को और बड़ा करना है जल्दी, चिकन हो गया, तो उसको हार्मोन्स दिए जाते हैं जिससे वो जल्दी बड़ा हो जाए। तो दोस्तों जैसे ये सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल जो है वो हम प्रिजर्वेटिव के तौर पर करते हैं। ऑरेंज कलर, येलो कलर, ये क्या होगा? फूड कलर है। फ्लेवर एनहांसर एस्पार्टमे और मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो गए। एंटीबायोटिक अमोक्सिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, वैसे दोस्तों ये ज्यादातर ह्यूमंस में दी जाती हैं दवाइयाँ, लेकिन जो नॉनवेज के पर्पस से जो एंटीबायोटिक दी जाती हैं वो अलग होती हैं, और कुछ कुछ ह्यूमंस के वाली दवाइयाँ भी इस्तेमाल होती हैं। और जो हार्मोन्स होते हैं वो भी दिए जाते हैं नॉनवेज से संबंधित एनिमल्स के लिए, जो हम खाने में नॉनवेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब आइए जानते हैं ये क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों ये सोडियम बेंजोएट है, ये प्रिजर्वेटिव यूज होता है, और ये एस्पार्ट में मिठास के लिए सोडियम, जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये दोस्तों ये हार्ट से संबंधित बीमारियां भी कॉज करा सकता है, और आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको भी बिगाड़ सकता है। एस्पार्ट में मिठास के लिए होता है, इससे भी शुगर बढ़ने का खतरा हो सकता है। ऑक्सीटोसिन और ये प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स होते हैं, इनको बार बार महिलाओं को लेने से पीरियड में रेगुलरिटी आ सकती है। एंटीबायोटिक का बार बार इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ता है, और आगे चल के एंटीबायोटिक्स का जो इफेक्ट होता है वो हमारी बॉडी में कम होने लगता है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ सब्जियों में भी पेस्टिसाइड मिलाए जाते हैं जिससे क्या हो, सब्जियां खराब नहीं हो। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।